हेलो, सो स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, तो हम अपना चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं आज, क्लास 10th का। चैप्टर का नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दो चीज़ें समझेंगे कि जो हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज जनरली वो चेंज होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकते। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ओके, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब फिजिकल चेंज में, जैसे एग्जांपल के अगर हम तौर पे समझें, तो फिजिकल चेंज जैसे आप आइस को मेल्ट कर दो, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आप आइस को मेल्ट कर दो, मतलब आइस को पिघला दो, तो वो वापस से आप अगर चाहो तो फिर से उसे आप कूल करके वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप आइस को सिंपल लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और वाटर को आप रिवर्स करके आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये चेंज ऐसा है जिसको आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप वाटर को इवेपोरेट करो, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर का इवेपोरेट करना, ठीक है, उसका वाष्पन करना। इसके अलावा आप, हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, आप शुगर को डिसोल्व कर दो, आप चाहो तो वापस से शुगर को आप सेपरेट कर सकते हो। सो ये चेंजेस ऐसे हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इन्हें बोलेंगे फिजिकल चेंज। और क्या होते हैं केमिकल चेंज? जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर आप, जैसे अगर पर एक बार कुक हो गया फूड, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, अगर फूड एक बार कुक हो गया तो क्या यहाँ पे आप वापस से चेंज कर सकते हो? नो। ठीक है, तो ये सारे, यस, वुड भी एग्जांपल हो सकता है। हाँ, कुकिंग ऑफ फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसके अलावा रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग, अगर एक बार रस्टिंग हो जाए, तो रस्टिंग पढ़ा होगा आपने क्या होता है। ये जो हमारे जैसे Fe है, आयरन है, इसमें वाटर ऐड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, FeOH का ऑक्साइड। ठीक है, Fe और Fe2O3 डॉट एन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, यही तो होता है रेस्ट। ठीक है, तो रेस्टिंग हो जाए या कुकिंग फूड हो जाए, रैपनिंग ऑफ फूड हो जाए, या आप बोल सकते फ्रूट हो जाए, तो ये सारे चेंजेस कैसे हैं? केमिकल चेंज। तो अब हम इस चैप्टर में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो दे आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल कौन होते हैं? केमिकल चेंज। तो हम जितने भी केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, दे ऑल विल बी द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शंस को, अभी इक्वेशन का क्या मतलब है? अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, जैसे मैं रस्टिंग का एग्जाम्पल आपको बता रहा था, तो रस्टिंग में आपने देखा कि यहाँ पर आयरन की रस्टिंग हो रही है, तो आयरन की रस्टिंग को रिप्रेजेंट करना, ओके, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेज, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। चलो अब देखते हैं आगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है कि इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब भी कोई फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, फिजिकल चेंज जब भी होता है कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो लिख लेते हैं नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अब जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, अगर आइस को मेल्ट किया, आइस को मेल्ट करके वाटर बना, क्या नया सब्सटेंस बना? कोई कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, वाटर का फॉर्मूला अभी भी H2O ही है। ठीक है, लेकिन जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, आप हमेशा देखोगे कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप H2 और O2 को मिक्स कर दो, ठीक है, H2O तो मतलब ये गैसेस है, इसको स्पेसिफिक कंडीशन पर अगर आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, एक्सप्लोसिव गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, बट जो हमारा वाटर है, इसकी प्रॉपर्टी इसके कंपोजिशन वाले जो का पार्ट है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। हमेशा केमिकल चेंज में ऑलवेज ऑलवेज न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, हमेशा नया सब्सटेंस बनता है जब भी कोई केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो बिफोर कैरेक्टरिस्टिक्स, हम अभी इसी एग्जाम्पल को एक बार और समझेंगे।
कि जब कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो आखिर कोई नया सब्सटेंस कैसे बन जाता है, सो इसको एक बार समझते हैं। तो देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया, कोई नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 और H2। अगर N2 H2 का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, कैन एनीवन टेल? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? सुन रहे हैं? या अभिषेक, तुम कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, शेयर करो स्क्रीन। तो जैसे देखो, हमारे पास एग्जांपल है, अब जैसे N2 H2 इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनेगा, दैट इज NH3। इसे क्या बोलते हैं हम, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। अब देखो, नाइट्रोजन एक अलग गैस है, हाइड्रोजन बिल्कुल डिफरेंट गैस है, लेकिन इनके मिक्सचर से जो बना, ठीक है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से, मिक्सचर से नहीं, इसे बोलेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन से, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो बना वो क्या बना, एक डिफरेंट गैस बनी। अमोनिया की प्रॉपर्टी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होती है, मतलब जो हमारा नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और अमोनिया की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा कैसे हो गया, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो आप देख सकते हो, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो एक नया सब्सटेंस बना, लेकिन जो नया सब्सटेंस बना उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो तो चेंज हो गए, बट जो एटम की एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस जिस फॉर्म में पहले थे उसी फॉर्म में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आप अगर अमोनिया को देखो तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, जो हमारे रिएक्टेंट साइड है उसके पास भी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इस साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, फिर ऐसा क्या चेंज हो गया, तो क्या रीजन है? देखो, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। लेकिन जब इनका केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ तो अब क्या होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, एटम्स का अरेंजमेंट है, वो चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है, तो जो एटम्स होते हैं पहले वो अलग तरीके से रीअरेंज थे, बाद में वो अलग तरीके से रीअरेंज हो गए, जिसकी वजह से हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। न्यू सब्सटेंस इसी वजह से फॉर्म होता है क्योंकि एटम्स के बीच का अरेंजमेंट चेंज होता है। अब जैसे हमने अगर वाटर का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें, जैसे एच टू प्लस ओ टू क्या बनेगा, एच टू ओ बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी बैलेंसिंग नहीं कर रहा, बैलेंस का भी हम लोग बाद में करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब देख सकते हो, पहले हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के तरीके से अटैच था और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन जब वाटर का फॉर्मेशन होगा इनका अरेंजमेंट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर अब जो वाटर का जो एटम का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो केमिकल चेंज होता है वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसमें केमिकल का जो आपके एटम्स है वो अलग तरीके से रीअरेंज हो जाते हैं, जो कि रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आखिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, आखिर उसमें कोई ना कोई तो चेंज होने चाहिए ना। अब उसकी बात करते हैं, देखो, तो अब हम उसकी अगर बात करें केमिकल रिएक्शंस में कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो लिख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हम समझते होंगे, पहचान, क्या क्या पहचान है किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने की। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका फर्स्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, तो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। अभी क्या क्या होता है इनका मतलब अभी समझेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, जो आपका नया कंपाउंड बनेगा उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, मतलब एनर्जी चेंज हो सकता है, ठीक है, एनर्जी में चेंज हो सकता है, या आपका स्टेट भी चेंज हो सकता है, मतलब उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, हो सकता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के, ठीक है। और जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो हमें पता है कि पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो अभी ऊपर हम लोगों ने जो किया,
ठीक है, अभी मगर क्या देखा कि जो पुराने बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए थे, देखो आप कोई भी देख सकते हो, जैसे हमने ये वाटर वाला एग्जांपल देख लो, तो ये आप देख सकते हो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पहले ऐसे थी, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ऐसे थी, इनके बॉन्ड ब्रेक हुए तभी तो नया बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो पुराने बॉन्ड्स हमेशा रिएक्टेंट के ब्रेक हो जाते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, स्टेट चेंज हो सकती है। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल को समझते हैं जो हमने पढ़ा है समझा। अब जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कैन एनीवन टेल ऐसा कोई रिएक्शन का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन हो रहा, जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें कोई गैस का इन्वॉल्वमेंट हो, कैन एनीवन टेल, कोई बता सकता है? देखो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, अगर आप कोई भी मेटल है अगर वो एसिड से रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट इन द सेंस यहाँ पर मेटल कौन है आपका, जिंक है, इसका सॉल्ट कैसे बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, इनके बीच बॉन्डिंग चेंज हुई, नया सब्सटेंस बना जिंक सल्फेट, यहाँ पर आपका नया सब्सटेंस बना और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने से हमें ये पता चल गया कि ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आ गया। इसके बाद हम सेकेंड में आते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो पहले तो ये समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जब कोई भी लिक्विड लिक्विड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां पर केमिकल रिएक्शन के बाद कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाए जो कि इनसॉल्युबल हो, ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई एक यहाँ पे एक मेरे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है, इधर भी हमने कोई एक लिक्विड लिया हुआ है, अब इन दोनों को क्या किया, हमने आपस में मिक्स कर दिया और इनके मिक्सचर से जो हमने नया कंपाउंड मिला उसमें कुछ ऐसा बन गया जो कि कोई ऐसा सब्सटेंस बन गया जो कि इनसॉल्युबल था, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट बन गया जो कि इनसॉल्युबल था, तो वो हमें क्या मिलेगा, इसके बॉटम पर बैठा हुआ ऐसे मिलेगा, इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है PbNO3 लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम KI से करा दें, पोटेशियम आयोडाइड से करा दें, तो यहाँ पे बन जाएगा PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, और PbI2 का हमें जो इसे बोलते हैं लेड आयोडाइड, इसे बोलते हैं लेड आयोडाइड, और ये जो होगा ये एक येलो PPT होगा, येलो PPT, ओके। तो लेड आयोडाइड का हमें व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपने अगर देखोगे इनिशियली ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब वाटर इसमें मिला होता है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इनको मिक्स करते हो तो ये तो आपको एक्वस फॉर्म में मिलता है, मतलब ये तो लिक्विड फॉर्म मिलता है, लेकिन येलो PPT आपको अलग से मिलता है जो कि इस बॉटम में ऐसे प्रेसिपिटेट होके मिलता है, ठीक है। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का। इसके अलावा देखो नेक्स्ट हो सकता है कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज। एक चीज और, आपका जो ये अभी प्रेसिपिटेशन वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है ये कलर चेंज के लिए भी हो सकता है, ठीक है, जहां पर कोई कलर चेंज हो जाए, तो स्पेशली हम लिख लेते हैं कलर चेंज, इसे कलर चेंज का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने अगर KMnO4 लिया, KMnO4, और अगर हम इसको सिट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, KMnO4 जनरली कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, देखा भी होगा आपने, पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो पर्पल कलर का वो भी बनेगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, और सिट्रिक एसिड उसमें अगर हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब यहाँ से कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये कलर में चेंज आया है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिल्वर है, ठीक है, और अगर आप इसका H2S से रिएक्ट कर देंगे, ये सिल्वर का एक तरीके से कोरोजन भी है, कोरोजन का एग्जाम्पल भी है,
तो आपने देखा होगा जो सिल्वर होता है, अगर आप उसको बहुत दिनों तक अगर मॉइस्चर में इसे छोड़ दोगे तो एयर की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, वो H2S गैस से रिएक्ट करके Ag2S बना लेगा जो कि ब्लैक होगा। इसी वजह से तो जो सिल्वर होता है ब्लैक कलर का हो जाता है काफी टाइम तक अगर आप उसको वॉश नहीं करो, अगर उसको केयर ना करो तो। ठीक है, तो जनरली ये कैसा एग्जाम्पल है, ये कोरोजन का भी एग्जाम्पल है, किसका, सिल्वर का। ठीक है, तो यहाँ पर कलर चेंज का भी एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हो सकता है दो से ज्यादा आपको चेंजेस दिख रहे हो, दो से ज्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हो। ठीक है, किसी में हो सकता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो रहा हो, टेम्परेचर भी राइज कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें प्रेसिपिटेट बन रहा हो और उसका स्टेट चेंज हो रहा हो। ठीक है, तीन से चार भी हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ हमें पढ़ना है स्टेट, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या चेंज होगा इसमें, देखो जैसे हमें पता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये चूना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो जब भी क्विक लाइम रिएक्ट करेगा वाटर से, ठीक है, चूने को आपने वाटर में डाला होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइम वाटर। आपको उसके कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, कभी कभी एग्जाम में कॉमन नेम भी, कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्विक लाइम को हाइड्रोलिसिस किया या वाटर में डिजोल्व किया तो क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए लाइम वाटर बनेगा, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी लिख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या लाइम वाटर बोले। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर इसका इस रिएक्शन के साथ क्या खास बात होती है कि यहाँ पर आपको हीट भी मिलती है, मतलब आपका टेम्परेचर जो होगा सॉल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन की वजह से आपका जो हीट है वो निकल रहा है, इसलिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जहां पर हमें पढ़ना है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में क्या एग्जांपल हो सकता है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन, ये फिफ्थ वाला पार्ट हमारा है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप वैक्स लो, ठीक है, वैक्स जानते हैं, ठीक है, मोम जिसे बोलते हैं, अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, मतलब कंबशन करोगे, कंबशन अगर उसको जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वैक्स पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में आपका यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CO2 और वाटर भी मिलेगा। तो आपका पहले तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रहा है, आपको दो गैसेस भी मिल रही हैं। ठीक है, ये भी वेपर के फॉर्म में मिलता है, ठीक है, गैसेस के फॉर्म में मिलता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के, केमिकल इक्वेशन के। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्या हो सकता है। और मैंने आपको बताया कि कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकती हैं जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपका गैस का कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा, मतलब यहाँ पर गैस का फॉर्मेशन भी हो रहा है और एनर्जी आपको देनी भी पड़ रही है। तो ये क्या है, और जनरली फिजिकल चेंज में आप देखोगे कभी भी आपको एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो आपको हीट देनी पड़ती है ना उसे निकलती है, लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा हीट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, या तो देनी पड़ती है या खुद से निकलती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको, अगर आ गई हो तो आगे बढ़े, बोलो। यस स्टूडेंट्स, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। देखो तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जो केमिकल चेंज होगा, जो केमिकल चेंज होगा उसे तो हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मान लो आपने कुछ बोला कि मान लेते हैं हमारे पास H2 plus Cl2 मिला और HCl बन गया। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने बोल दिया यहाँ 2HCl होगा। ठीक है, मान लो ऐसे मैंने बोल दिया तो आपको दिख रहा है कि हाँ केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। बट इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे थोड़ी हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl बनाएगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, इसको हमें रिटन फॉर्म में भी लिखना पड़ता है।
तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि अभी केमिकल इक्वेशन है तो आप क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सो मैं आपको बोल के दिखा दे रहा हूँ द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। आप लिख लेते हैं द मैथड, ठीक है, अगर आप नोट से बना रहे हो तो बेटर होगा, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, सिंबल्स और फॉर्मूलाज के टर्म्स में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसी तो हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन हो आप उसको रिप्रेजेंट जैसे करते हो उससे ही बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, जैसे अब हम वैसे तो कुछ बातें जानते हैं फिर भी हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि और क्लियर हो जाए। जब भी रिएक्शन होता है तो आपको पता है रिएक्टेंट होते हैं जो लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं हमेशा, और उसको जो जो भी आपका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और बीच में आप एरो का सिंबल का यूज करते हो। ठीक है, रिएक्टेंट में आप उसकी स्टेट भी लिखते हो, ठीक है, स्टेट जैसे कि आपका जो भी सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, और जो भी आपका टेम्परेचर इन्वायरमेंट होगा वो आप इस जो एरो है एरो के अबव या नीचे लिखते हो, कोई कैटलिस्ट यूज करते हो, कोई आप स्पेसिफिक कंडीशन यूज करते हो, प्रेशर यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, तो आप उसको हमेशा इस एरो के ऊपर रखते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे N2 ये गैस है, ये G क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ गैसियस। अगर कहीं पे AQ लिखा होता है इसका मतलब क्या है कि ये एक्वस है, मतलब वाटर में मिक्स है, वाटर में क्या है मिक्स है। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं और कहीं अगर DIL लिखा है मतलब डाइल्यूट है, पानी मिला हुआ है, कंसेंट्रेटेड मतलब बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं केमिकल इक्वेशन को, जैसे मैंने H2 लिखा, ठीक है, यहाँ पर ये भी गैस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर हम लिखेंगे निकल कैटलिस्ट। तो ये क्या है, Ni क्या है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कौन होते हैं, जो केमिकल इक्वेशन के रेट को चेंज कर देते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं कैटलिस्ट। और यहाँ पे NH3 बना, तो NH3 क्या बना, कैसा बना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये गैस बना। तो समझ रहे हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ लिमिटेशन भी है, सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो क्या लिमिटेशन है, कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस की क्या लिमिटेशंस है। ऐसे तो बहुत सारी आपको बहुत सारी खास बात है, बहुत सारी इसकी खूबियां हैं कि आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखकर, ठीक है, पहले तो उसकी हम थोड़ी सी इसकी जो अच्छाई है वो समझ लेते हैं। पहले तो आप क्या समझ सकते हो कि केमिकल ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांटेज लिख रहे हैं, पहले एडवांटेज लिख लेते हैं फिर लिमिटेशन समझते हैं। एडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस है, पहले तो आप कौन से आपके एलिमेंट इन्वॉल्व है वो पता कर सकते हो, सो यू कैन गेट टू नो द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है वो आप पता लगा सकते हो। ठीक है, इट होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आपने क्लास 9th पढ़ा था इसको होल्ड कराने में हेल्प करता है। ठीक है, आप कैसे ये काम कैसे करते हो, बाय बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग करते हो, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो क्या करते हैं, हम इसको बैलेंस करते हैं, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को होल्ड करता है। ठीक है, तो ये जनरली कुछ चीजें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है, बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं केमिकल, और इसको इजी करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप हर चीज को वर्ड के में नहीं लिख सकते। तो अब यहीं से केमिकल इक्वेशन दो तरीके से बढ़ जाती है, एक होती है वर्ड इक्वेशन और एक होता है आपका, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, या इसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन।
ठीक है। और इक्वेशन स्केलेटन इक्वेशन के बाद एक आता है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, पहले लिमिटेशन देख लें, उसके बाद फिर आगे समझते हैं कि क्या क्या बातें हम लोग कर रहे थे, ठीक है। देखो लिमिटेशन क्या है इसकी, तो पहला तो लिमिटेशन ये है कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख के उसका रेट नहीं बता सकते, ठीक है। यू कैन नॉट डिटरमाइन, और यू नहीं, वी के लिखते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन लिख दूं आपके सामने, मान लो मैंने कोई भी रिएक्शन ले ली, जैसे आपको मैंने जैसे Mg plus O2 लिख दिया और यहाँ पर MgO2 बना लिया, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, बट ये रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, आप क्या केमिकल इस रिप्रेजेंटेशन को देख के पता लगा सकते हो कि ये 2 सेकंड में होगा, 5 सेकंड में होगा, कितनी देर में होगा। सो आप रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइम कितना लगेगा किसी रिएक्शन को कम्प्लीट होने में, यू कैन नॉट डिटरमाइन। तो एक ये लिमिटेशन हो गई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपकी जो रिएक्शन है, हो सकता है वो रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव हो सकता है बहुत रिएक्शन टॉक्सिक हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हो, स्पिल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, कैन नॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब होता है अंदाजा लगाना, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इक्वेशन, द नेचर ऑफ इक्वेशन। आप इक्वेशन के नेचर को नहीं समझ सकते कि कैसा है, किस टाइप का रिएक्शन है। मान लो मैंने आपको सिंपल ये रिएक्शन लिखा H2O2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका H2O, तो ये रिएक्शन आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, बहुत ही एक्सप्लोसिव वाली रिएक्शन है, ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है अगर इसको केयरफुल परफॉर्म ना किया जाए तो, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसके अलावा लिमिटेशन है कि आप केमिकल इक्वेशन लिख के आप उसका टाइम नहीं बता सकते, तो मैंने टाइम तो बता दिया। इसके अलावा और क्या लिमिटेशन हो सकती है, फिजिबिलिटी नहीं बता सकते आप, यस आप क्या नहीं बता सकते, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी? यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिबिलिटी पता है किसी को? किसी को नहीं पता? नो सर। ओके, देखो फिजिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, फिजिबिलिटी का मीनिंग होता है कि वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, वेदर, देखो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा, वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट, रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, ठीक है, टेक प्लेस और नॉट। कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, आप सिर्फ रिएक्शन लिख के, उसकी इक्वेशन लिख के आप नहीं बता सकते। जैसे मैं अगर एक रिएक्शन लिख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन लिखा Zn प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4, यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में आपका यहाँ पर आपका जो आपका H2 है वो रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन होता है, प्रैक्टिकली देखा गया रिएक्शन होता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पर एक काम कर दूँ, आप यहाँ पर चलो इसको एक और तरीके से लिखता हूँ, मान लो मैंने जिंक और दूसरा कोई आपका सॉल्ट ले लिया, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया CuSO4, इसको अगर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा साथ में कॉपर रिलीज हो जाएगा। मतलब ये तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आगे समझेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, जिसमें जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब देखो क्या होगा, अब मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिखी, जैसे मैं इसी का रिवर्स कर दूं, जैसे मैं कॉपर प्लस जिंक सल्फेट लिख दिया, अब क्या लगता है आपको, ये रिएक्शन होगा? अगर मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया आपके हिसाब से कि सर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो कॉपर में जिंक को रिप्लेस कर देगा और हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा जिंक, ऐसा बनना चाहिए। बट ये रिएक्शन तो होता है, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होता है, बट दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर मैं लिख दूं और वो रिएक्शन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, तो फिजिबिलिटी नहीं बता सकते, आप बता नहीं कर सकते कि जो आप रिएक्शन लिख रहे हो वो एक्चुअली में होता है या नहीं होता है। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है। हम बात करेंगे अब बैलेंसिंग की, ठीक है, बैलेंसिंग, क्योंकि हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो बैलेंसिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना है, इसके अलावा हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। और आपके एग्जाम में बैलेंसिंग जरूर आएगी, पक्की बात है, एक या दो रिएक्शन आपको बैलेंसिंग के लिए जरूर मिलेगी।
सो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, अभी बैलेंसिंग कैसे आ सकती है ये भी समझ लो। बैलेंसिंग आपको डायरेक्ट दे सकता है या आपको कोई वर्ड इक्वेशन दे सकता है, आप भूलेगा कि वर्ड इक्वेशन है। जैसे मैंने बोला कि मेथेन, मान लो मैंने से बोल दिया कि मेथेन भाई रिएक्ट करेगा, मेथेन वाटर से रिएक्ट करेगा और कुछ बनाएगा, ठीक है कंपाउंड बनाएगा। मैंने कहा कि क्या बनाएगा, एक मेथेन जब, अच्छा वाटर से नहीं ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट नहीं करता ये, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनाएगा, ठीक है और उसको बैलेंस भी करके लिखो। तो ऐसी इक्वेशन आ सकती है, या सिंपल बोल देगा कि आपके पास एक रिएक्शन है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था आपको KClO3, ठीक है KClO3 का रिएक्शन मैंने कराया, इसको हीट करा, यहाँ पे KCl प्लस आपका O2 बना, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। सिंपल भी दे सकता है, ऐसे वर्ड में भी दे सकता है, तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग पता है किसी को किस कैसे करते हैं, कोई आइडिया है किसी के पास स्टूडेंट्स? जब इक्वल नंबर एटॉम्स के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड केमिकल इक्वेशन की, तब बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। हाँ बट इसे लिखते कैसे हैं, शुरू कैसे करते हैं इसे लिखना, बैलेंसिंग शुरू कैसे करते हैं, मतलब इसकी क्वेश्चन? हाँ देखो, अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुनो अच्छा ध्यान से देखो। तो जब बैलेंसिंग करते हैं ना, तो बैलेंसिंग में आपको क्या ध्यान रखना होता है, आप कोई भी एटम बैलेंस करने लगोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, सकता है आपके रिएक्शन बैलेंस ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मेटल्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है। मेटल्स तो पता है ना, जैसे इस केस में क्या है, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो पोटेशियम हमारा मेटल्स है। मेटल्स को पहले बैलेंस कर लो जितने भी मेटल्स हैं सारे, उसके बाद जैसे कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन जो भी है आपका मेटल है उसको आप पहले बैलेंस करो, और उसके बाद आप बैलेंस करोगे नॉन मेटल को, ठीक है। बैलेंस करोगे पहले मेटल को फिर नॉन मेटल। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है कुछ और भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ये सारे नॉन मेटल है। और लास्ट में आप जो आपका मेटल नॉन मेटल, और नॉन मेटल में भी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी छोड़ देना, लास्ट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, जनरली ऑक्सीजन पहले बैलेंस किया जाता है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेंड को आप फॉलो करोगे, आप आराम से रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। और रिएक्शन को बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, तो हीट एंड ट्रायल मेथड जो हमें करना है, एक्चुअली में हीट एंड ट्रायल मेथड ही करना है, हमारे बुक में यही, हमारे सिलेबस में यही है। और एक मेथड और होता है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। ये मेथड आपको क्लास 11th में सीखने को मिलेगा, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे, हमें किसको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल समझ में आ रहा है कि हिट एंड ट्रायल का कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि ऐसे ही करना है इसको, इसी तरीके से करना है। ये तो एक तरीका मैंने बता दिया आपको, ट्रिक बता दी कि आपको इस तरीके से फॉलो करना है तो आपकी रिएक्शन आराम से बैलेंस हो जाएगी बिना किसी परेशानी के। तो जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल को मान लो लिया KClO3, और यहाँ पर आपको इसको हीट करना है, ठीक है। और KCl, ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है ऑक्सीजन का। आप देख सकते हो जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकल रही है। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, कहीं आपने देखा होगा कि इक्वेशन में ऐसे ऐसे अपवर्ड साइन लगा होता है, कहीं पे ऐसे बैकवर्ड लगा होता है, डाउनवर्ड लगा होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डाउनवर्ड होता है सिंबल, ठीक है एरो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पीपीटी। जब भी आपको पीपीटी फॉर्मेशन दिखाना हो तो आप किसी भी सब्सटेंस के आगे ऐसे डाउन लगा दोगे तो उसका मतलब होगा पीपीटी, और अगर किसी भी सब्सटेंस का आगे से एरो लगा दो कि मतलब वो गैस, ठीक है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। और ये डेल्टा का जो मैंने अभी लगाया, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है इसको हीट करो, टेम्परेचर दे रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे कि KClO3 है, ये आपका मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लैब प्रिपरेशन मेथड है, लैब प्रिपरेशन मेथड है इसका, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है देख लो ऑक्सीजन गैस निकल रही है। चलो अब बैलेंसिंग की बात करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है। तो मेटल कौन है यहाँ पर, पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, मतलब पोटेशियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की आप देख सकते हो यहाँ पर आपका एक तरफ आपका क्लोरीन कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑक्सीजन प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को हम कहाँ करें, ऐसा कर लेते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने, यहाँ पर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 3 है, और यहाँ पर आपका 2 है, तो यहाँ पर आप कुछ भी रखोगे ऑक्सीजन हमेशा इवन नंबर ही आने वाले हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं अभी के लिए, हम इस तरफ 2 लिख लेते हैं,
चलो देखते हैं क्या हो जाए। तो यहाँ पे आप 2K हो जाएगा, तो सारी चीज छोड़ के पहले आप क्या करोगे, पोटेशियम को बैलेंस करोगे। तो पोटेशियम ठीक है, आपको सीक्वेंस हर स्टेप पे ध्यान रखना है, हर स्टेप पे ध्यान रखना है, मेटल को फिर नॉन मेटल को। अब इसके बाद क्लोरीन की बारी, तो क्लोरीन देखो अपने आप बैलेंस हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ पर भी, 2 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में बताओ ऑक्सीजन कितने हैं, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे O3 लिखा हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 3 इक्वल टू 6, मतलब 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर आपके पास 2 है, तो अगर मैं इसके आगे 3 लगा दूं, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, अब थोड़ी प्रैक्टिस करके आना और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ओके।